हिमाचल की मंडियों में आढ़तियों को किलो के हिसाब से सेब कारोबार करने का शपथ पत्र देना होगा। बागवानी, जनजातीय और राजस्व मंत्री के निर्देशों पर विपणन बोर्ड ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। 10 मई से पहले आढ़तियों को वजन मापने की इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की व्यवस्था करनी होगी। मेट्रोलॉजी अधिनियम के तहत मशीनों का सत्यापन करना भी अनिवार्य होगा। निर्देशों की अवहेलना करने पर आढ़तियों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। मनमानी करने वाले आढ़ती ब्लैकलिस्ट में भी शामिल होंगे। इस सेब सीजन में किलो के हिसाब से सेब खरीदने की व्यवस्था पुख्ता तौर पर लागू करने के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। सेब उत्पादों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए मंडियों में वजन करने के बाद ही सेब की बिक्री होगी। मंडियों में सेब कारोबार करने वाले आढ़तियों से मंडी समितियां शपथ पत्र लेगी। शपथ पत्र में आढ़तियों को उल्लेख करना होगा कि किसी भी बागवान का पिछले सीजन का पैसा उस पर बकाया नहीं है। इस सीजन में वो वजन मापने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग करेगा। ऑक्शन यार्ड पर वो उन्हीं सेब के डिब्बों की बिक्री करेगा जिनमें वजन का उल्लेख होगा और वजन 24 किलो से अधिक नहीं होगा। प्रदेश के कॉलेजों में सत्र से नया सत्र लागू करने का सपना विश्वविद्यालय के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। कारण ये है कि कॉलेजों में शिक्षकों के वर्तमान में 3000 पद खाली चल रहे हैं। ऐसे में यदि नई शिक्षा नीति को इस साल से लागू करना होगा तो सबसे पहले इन खाली पदों को भरना होगा। पिछले 2 साल से ये नीति यूनिवर्सिटी सहित कॉलेजों में लागू नहीं हो सकती है। इस साल से शुरू होते ही नए शिक्षा नीति पर अभी तक 2 बैठकें हो चुकी है और इसके लिए कॉलेजों से 31 मार्च तक सुझाव भी मांगे गए थे, लेकिन अधिकतर कॉलेजों का कहना है कि उनके पास इस नीति को लागू करने के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं है। पोस्ट कोड 1939 JOAIT भर्ती पेपर लीक मामले में अब मुख्य आरोपी उमाजात के पड़ोस में रहने वाले भाई बहन को SIT ने गिरफ्तार किया है। दोनों ने भी JOAIT की परीक्षा उत्तीर्ण की है। उमाजात ने इन दोनों को भी पैसे लेकर प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया था। आरोपियों की पहचान नीतू और उसका भाई गोपाल निवासी हमीरपुर के रूप में हुई है। शनिवार को इन दोनों को हमीरपुर न्यायालय में पेश किया जाएगा। पोस्ट कोड 1939 JOAIT पेपर लीक मामले में 2 चपरासियों, चपरासी के बेटे और नतीजे तथा उमाजात की भांजी और दलाल की पत्नी समेत कुल 8 लोगों को SIT गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें से चपरासी का बेटा और भतीजे जमानत पर गत दिवस रिहा हो गए हैं। 2 न्यायिक और 4 पुलिस हिरासत में चल रहे हैं। अस्थायी शिक्षकों की भर्ती करने का प्रस्ताव सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में प्रदेश सरकार ने जांच बैठा दी है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस बाबत जवाब तलबी की जाएगी। शिक्षकों के 3104 पद अस्थायी तौर पर भरने का प्रस्ताव 26 अप्रैल को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद 27 अप्रैल को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को खुद इसका खंडन करना पड़ा था। शुक्रवार को इस मामले पर संज्ञान लेते हुए गुप्त रखे गए प्रस्ताव को सार्वजनिक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लिया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी को शिक्षकों की अस्थायी भर्ती का प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में प्रस्ताव भेजा गया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि प्रदेश के दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में 3104 JBT, TGT, कला और शास्त्रीय शिक्षक 2 से 3 वर्ष के लिए भर्ती होंगे। हिमाचल में भवनों के एटिक की ऊंचाई 2.70 से लेकर 3.5 मीटर किए जाने के फैसले को विधि विभाग ने मंजूरी दे दी है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। नियमों में भवनों की एटिक को रिहायशी बनाए जाने पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग वर्ग मीटर के हिसाब से फीस वसूली करेगा। भवन मालिकों पर ज्यादा वित्तीय बोझ न पड़े इसलिए ये राशि कम से कम रहेगी। नगर निगम शिमला के चुनाव प्रचार चरम पर है। इसी बीच दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर हमलावर है। उसकी वजह यह है कि दोनों ही दलों के लिए नगर निगम शिमला को चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। आज विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मोर्चा संभाला है और सरकार पर निशाना साधा है, तो दूसरी ही तरफ सत्ता दल कांग्रेस पार्टी से उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भाजपा पर ताबड़तोड़ हमले पत्रकार वार्ता के दौरान किए हैं। पिछली भाजपा सरकार पर हमला करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि स्मार्ट सिटी के पैसे का जमकर दुरुपयोग हुआ है। भाजपा ने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए शिमला शहर में ठेके दिए हैं। नगर निगम बनने के बाद इसकी जांच भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी 10 गारंटियों को अपने कार्यकाल में पूरा करेगी, जिसमें OPS महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन देने सहित युवाओं को नौकरी देने पर सरकार ने काम शुरू भी कर दिया है।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बड़ा आरोप लगाया है कि वाटर सेस के मामले में केंद्र सरकार को हिमाचल के भाजपा नेता ही उकसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल के संसाधन बढ़ाना चाहती है, केंद्र सरकार से टकराव मकसद नहीं है, इसलिए इसे पूरे मामले में लीगल लड़ाई ही लड़ेंगे, जल शक्ति विभाग देख रहे। मुकेश अग्निहोत्री ने ही वाटर सेस का विधेयक विधानसभा में लाया था, जो अब कानून बन चुका है। उप मुख्यमंत्री का कहना है कि इस कानून को केंद्र सरकार सीधे तौर पर असंवैधानिक और अवैध नहीं कर सकती है, ये अधिकार कोर्ट का है, कोर्ट ने अभी फैसला नहीं दिया है। उत्तराखंड में जब वाटर सेस लगाया गया था तो केंद्र सरकार ने कुछ नहीं कहा था, वहां कोर्ट ने इसे संवैधानिक करार दिया था। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं ऊना से विधायक सतपाल सिंह सत्ती, पूर्व मंत्री एवं विधायक विक्रम सिंह ठाकुर, प्रदेश महामंत्री एवं विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार अपने ही बुने हुए जाल में उलझ कर रह गई है। भाजपा नेताओं ने कहा है कि कहने को तो सरकार के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू है, लेकिन फैसले मंत्री ले रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि सरकार मुख्यमंत्री चला रहे हैं या फिर मंत्री। दो दिन पहले सरकार ने एक मंत्री का बयान सामने आया कि शिक्षा विभाग में टीचर्स की अस्थायी नियुक्तियां की जाएंगी, किसी प्रकार का कोई साक्षात्कार नहीं होगा, और अगले ही दिन मुख्यमंत्री इस बयान का खंडन करते हुए लीपापोती का काम कर रहे हैं। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि निगम के चुनावों में भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही है। शहर में नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए गए हैं, जबकि भाजपा को अपने 5 साल के आधार पर वोट मांगने चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम के नाम पर नहीं, बल्कि निगम में किए गए काम के आधार पर लोग मतदान करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र से लेकर शिमला नगर निगम तक बीते 5 साल में भाजपा का ही शासन था, लेकिन यहां विकास बिल्कुल भी नहीं हो पाया है। भाजपा के ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल रही है। राजीव शुक्ला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर शिमला को मिले बजट का दुरुपयोग हुआ है, शहर में कंक्रीट और लोहा दान दिया गया है, इससे शिमला की खूबसूरती को बड़ा ग्रहण लगा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में आवंटित बजट के दुरुपयोग की जाँच पर भी विचार कर रही है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा के मंडलायुक्त की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि तर्कहीन फैसले न्याय से वंचित करने के बराबर है। मंडलायुक्त स्तर के अधिकारी का कानून से अनभिज्ञ होना दुर्भाग्यपूर्ण है। अदालत ने कहा कि बिना तर्क के फैसले पक्षकारों के मूल्यवान अधिकारों के विरुद्ध होते हैं। याचिकाकर्ता मनोहर लाल की ओर से ऐसे ही एक मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने मंडलायुक्त को दोबारा तर्कयुक्त फैसला देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने पाया कि कांगड़ा के मंडलायुक्त ने शशि कुमार और अन्य की याचिका का निपटारा करते हुए कोई भी तर्क नहीं दिया था। ये दूसरा मामला है जहां कांगड़ा के मंडलायुक्त ने पक्षकारों के मूल्यवान अधिकारों के विरुद्ध फैसला सुनाया है।